नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसका आज की क्लास की टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और भी जो महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बता दूँ कि CBSE ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, कहा है कि 16 अगस्त तक जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम शुरू होने वाली है 16 अगस्त से। तो जिनको भी जो अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है वो सभी दे सकते हैं। और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी जो है वाउचर लॉन्च किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली ई रूपी जो है ये काम करेगी। और बता दूं कि PMO से जो है एक वरिष्ठ नौकरशाह अमरजीत सिन्हा ने जो है इस्तीफा दिया है, क्या है मामला उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद साधारण बीमा संशोधन बिल की बात की जाए तो लोकसभा में पारित हो चुकी है। उसके बाद नारियल बोर्ड विकास बोर्ड जो है संशोधन विधेयक 2021 जो है मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद बता दूं कि देश भर में जो है महिला हॉकी की क्रिकेट टीम की जो है वाहवाही की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो है सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है पहली बार। तो चलिए ये थी कुछ सुरक्षा के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर, ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबके पास आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रोज की तरह आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब हम लोग देखते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि उसमें बेसिक से बेसिक पॉइंट्स और बेहद ही विस्तार तरीके से आपको बताया जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का ग्रुप है, जिससे हम सभी आगे बढ़ने की प्रेरणा हम सभी को मिलती है, जो हम सभी को एनर्जेटिक महसूस करवाती है। तो चलिए इसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह पिछले 8 महीने से अधिक समय से जो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल लगभग 1200 सवालों का संग्रह अभी तक हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोग जो है क्लास की शुरुआत आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को जानेंगे। तो आज के दिन वर्ष 1492 में इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से 3 नावों सांता मारिया, पिंटा और नीना से जो है 90 साथियों के साथ भारत के समुद्री रास्ते की खोज में रवाना हुआ था। हालांकि वह गलती से अमेरिका द्वीप पहुंच गया। आज ही के दिन वर्ष 1975 में मोरक्को में बोइंग 337 विमान इंजन में खराबी के बाद लैंडिंग से 2 मिनट पहले से जो है वह गायब हो गया और एटलस पर्वत पर जाकर क्रैश हो गया। विमान में सवार 7 क्रू मेंबर सहित 188 लोगों की मौत हो गई। उस समय यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विमान हादसा था। आज के दिन वर्ष 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जन्मे शकील बदायूनी जो मशहूर संगीतकार थे, उन्होंने 1944 में दिल्ली से नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए। कई फिल्मों में संगीत गाए, संगीत दिया उन्होंने। अब मुगल राजा मदर इंडिया में भी उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज ही के दिन वर्ष 2004 में अमेरिका ने बुध ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान मैसेंजर प्रक्षेपित किया। आज ही के दिन वर्ष 1957 में अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया, उनके नेतृत्व में ब्रिटेन से देश को आजादी मिली। आज ही के दिन वर्ष 1914 में पहली बार जहाज को जो है पनामा नहर से पार कराया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी के चलते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर कानून को सख्त बनाए जाने से सड़क हादसों में कमी के साथ मौत के आंकड़े भी जो कम हुए हैं। वर्ष 2019 में पारित संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने हादसे को रोकने के लिए सामान ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों के काम का जो है घंटा कम किया है। ऐसे सभी वाहनों पर जो है स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा राज्यों में मॉडल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता दी जा रही है। सड़क निर्माण में रोड सेफ्टी को अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसके बाद जो है ये आंकड़े सामने आए हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, NHAI के द्वारा, जिससे ये आंकड़े काफी जो है संतोषजनक देखने को मिले हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो बता दूं कि 2018 में लगभग 4,66,000 से अधिक मामले आए, 2020 की बात की जाए तो 3,66,138 मामले आए हैं। तो सड़क नियम उल्लंघन पर ज्यादा जुर्माना, नियमों में सख्ती के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, नाबालिग के वाहन चलाने पर ज्यादा जुर्माना, कंप्यूटराइज वाहन फिटनेस व्यवस्था, हिट एंड रन में ज्यादा मुआवजा, ये बातें जो सामने आई है इसके बाद से जो है ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के चलते हैं। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकर जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, आदमी को अपनी आशा की किरण या आशा नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी कोशिश जो है लगातार करनी चाहिए, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, 15 साल की क्यों ना हो, लेकिन कोशिश जारी रखें। यदि कोशिश आप जारी रखोगे, यदि कोशिश छोड़ देते हो, तो आपको सफलता की जो सीढ़ी है वो नहीं चढ़ पाओगे। तो बेहद जरूरी कि आदमी कोशिश करते रहना चाहिए, और खास करके स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट जो है अक्सर निराशा हो जाते हैं 1-2-3 ट्राई में, अटेम्प्ट में। तो जरूरी नहीं है कि आप 1-2-3 अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम, तो बेहद जरूरी है। और अक्सर जो है आए दिन ये घटनाएं सामने आती है कि अधिकतर लोग जो है 2-4 अटेम्प्ट में ही जो है सरेंडर कर देते हैं, हार मान लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है आपकी उपलब्धि नहीं मिलेगी या आपका जो है मंजिल नहीं मिलेगा। तो बेहद जरूरी है कि आप अपना कोशिश जारी रखें, आपको मंजिल जरूर मिलेगी जीवन में। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दें कि कल का क्लास जो मैंने किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और सभी जुड़ सकते हैं उस क्लास कल का क्लास से। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें। चलिए आज के पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। पहला सवाल की बात की जाए, भारत सरकार ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने जो है भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पक्षियों को केंद्र करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। तो भारत सरकार की एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने जो है कहा है कि जो भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, सभी के जो है मुख्य सचिव को जो है ये नोटिस जारी करके जो है जो भी लोग इसकी ट्रैफिकिंग करते हैं, बर्ड ट्रैफिकिंग करते हैं या बिक्री खरीद करते हैं या उसको गलत तरीके से जो है पिंजरे में बंद रखते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सलाखों के पीछे बनाया जाए, जो भी एक्ट के माध्यम से जो भी सजा होता है उनको दंडित करने की कोशिश की जाए। दूसरी बता दें, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को राज्य प्रशासन अब पासपोर्ट या सरकारी नौकरी नहीं देगी, इसके लिए जो CID को एक डेटा बनाने की आदेश जारी कर दिया गया है वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के प्रशासन के द्वारा, ताकि यह पत्थरबाज जो है इस तरह का गैर कानूनी कार्य नहीं कर सके, नहीं वो करते हैं इसे संलिप्त होते हैं, उनको सभी तरह से सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, वीजा, किसी भी तरह की सहायता, सरकारी सहायता उनको नहीं मिलेगी। तो बेहद जरूरी निर्णय था भारत के देश के हित के लिए, ताकि इस तरह का जो भी घटनाएं घटती है अक्सर जम्मू कश्मीर में अब जो है उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ा डिसीजन जो है लिया गया जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाली 83 वर्षीय डॉक्टर जुलेदा दाऊद UAE की पहली महिला डॉक्टर हैं। तो बता दो कि अमेरिकी मिशन अस्पताल से जो है वो जुड़ी थी 1963 में, और वो जो है कुवैत आ गई थी। उसके बाद जो है 1972 में पहला क्लिनिक जो है UAE में खोला, शारजाह में खोला, और जुलेखा हॉस्पिटल नाम रखा 1992 में। उसके बाद वो फेमस हो गई और लगातार जो है वहाँ पे लोगों की मानव सेवा कर रही हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ा वहाँ पे उनका हॉस्पिटल भी चलता है, संस्था भी चलती है। अब तक जो है उन्होंने कहा है कि 10,000 से अधिक महिलाओं का जो है या बच्चों का जो है डिलीवरी करा चुकी है। MBBS करने के बाद जो है वो अमेरिका के मिशन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन सिंह को जो है नियुक्त किया गया है, उनका ललन सिंह नाम भी है। तो बता दो कि इससे पहले जो है RCP सिंह जो थे, ये जो है मुंगेर के से सांसद है, वो इनको जो है दिल्ली नई दिल्ली में जो है सर समिति से जो है जनता दल यूनाइटेड ने जो है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। वो बिहार के भी राज्य बिहार राज्य के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उड़ीसा का भुवनेश्वर कोरोना से बचाव का 100% टीका लगाने वाला जो है देश का पहला शहर बन गया है। वहाँ के जो है ईस्टर्न भुवनेश्वर के जो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अंशुमान रथ ने जो है ये बताया कि शहर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 9 लाख लोग हैं, और अब तक 18,16,000 से ज़्यादा डोज लग चुका है।
इसके कारण से जो है ये देश का पहला जो है शहर बन चुका है। न चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को 3 तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको जो है 1 अगस्त 2019 को जो है प्रधानमंत्री माननीय मनोहर गई के द्वारा देश भर में लागू किया गया था, जिसके बाद में मुस्लिम महिलाएं जो है प्रधानमंत्री को बहुत ही धन्यवाद पूर्वक जो है धन्यवाद दिया, जिसके कारण जो है ये ऐसा संभव हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और बता दूं कि इसके बाद लगातार उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली महिला तलाकों के को में, और लगातार महिलाएं जो है अब जो है खुलकर जिंदगी जीवन जी रही है। अब वो जो है शोषित नहीं हो रही हैं, उनका अधिकार से जो है अब वो अपने लड़ाई लड़ सकती हैं। अब वो जो है वो बाहर आकर के घर से निकल करके अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात ने प्रति 10 लाख लोगों पर टीकाकरण के मामले में जो देश में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। बता दें गुजरात में अभी लगभग 3 करोड़ 32 लाख लोगों को जो टीका लग चुका है, और कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट में कमेटी में बताया गया है कि अब तक 10 लाख में जो है 5,17,000 लोगों को जो है टीका लग चुका है। तो देश का शीर्ष स्थान हासिल करने वाला ये जो है पहला जो है राज्य बन चुका है देश भर में। गुजरात लगातार जो है इस मामले में आगे बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा में बिन चर्चा के नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। तो बता दूं कि सदस्यों को जो है 4 में से जो है 6 कर दी गई है। और इसके साथ ही जो है 1979 में जो है ये बोर्ड बना था, लेकिन इसको संशोधन करके अब जो है 2021 में नया बिल पेश किया गया है। और इसमें जो है एक सरकारी के बजाय गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ति की जाएगी। तो बिना चर्चा के जो है इसको पारित कर दिया गया है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में। तो आखिरी 2 सवाल की ओर रुख करते हैं, उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानेंगे। तो बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 में प्रधानमंत्री के सलाहकार और वरिष्ठ नौकरशाह अमरजीत सिन्हा ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बता दूं कि सिन्हा पीएमओ में जो सलाहकार थे, प्रधानमंत्री के खास व्यक्ति थे, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को संभालते थे। बिहार कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी सिन्हा 2019 में ग्रामीण विकास सचिव के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद जो है पीएमओ में नियुक्त किए गए थे। तो क्या कारण है, उन्होंने जो एक साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नहीं चलते। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट कानून को सख्त बनाए जाने पर जो देश में सड़क हादसों में जो कमी आई है, तो मैंने इसके बारे में विस्तार से पहले ही आपको बता दिया कि किस तरह से जो है ये कानून में जो सड़क हादसे की जो गिरावट आई है वो देखने को मिली 2018 2019 2020 में। 2020 में 3,66,138 मात्र मामले आए। उससे पहले 2018 की बात की जाए तो 4,66,000 से अधिक मामले थे। उसके बाद 4,50,000 आसपास मामले आए। तो लगातार जो है केंद्र सरकार लगातार उपाय कर रही है, उसके लिए जो है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। यहाँ तक कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा सहायता राशि के साथ जो है लगाया जा रहा है। तो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद ये आंकड़े में सुधार आया और आने समय में और भी सुधार आएगा। तो चलिए ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को काफी कुछ मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। चलिए इसी के साथ आज का विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर चलते हैं। तो क्षार का रंग फिनोल फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। फास्फोरस की परमाणुकता चतुर परमाणुविक है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बता दें कि फिर से जम्मू कश्मीर में जो है पाक सीमा से लगे इलाकों में जो है एक साथ 4-4 ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद जो है पूरे राज्य में जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। और बता दूं कि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक पॉप गायक के भ्रष्टाचार के आरोप में जो है अरेस्ट कर दिया गया, फिर से उनको जो है रिहा भी कर दिया गया है कुछ मुश्किलें के बाद। उनका नाम एंथनी वांग है। तो चलिए ये था जानकारियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। उसके बाद आज का
इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए रोज की तरह आज भी, तो मैं आपको एक आंकड़े बताने वाला हूँ कि ये आंकड़ा जो कि डरावने वाला है। तो परीक्षा में फेल होने वाले अधिक बच्चों ने दे दी जान। तो बता दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो है 2 दिन पहले ये अपने आंकड़े जारी किए थे, जिसमें 2017 से 2019 के बीच लगभग 24,000 से अधिक बच्चों ने, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने जो है सुसाइड किया था, उससे जुड़ी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे आगे है 3,115, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सुसाइड, बंगाल दूसरे नंबर पर है। तो 2019 में हर रोज 318 लोगों की मौत को गले लगाया गया है। एनसीआरबी के आंकड़े में 2019 में हर रोज 381 लोगों ने हर रोज किसी न किसी कारण से आत्महत्या की। 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने सुसाइड किया, वहीं 2018 में 1,34,516, 2017 में 1,29,887 लोगों ने मौत की गले लगा लिया। आंकड़ों के मुताबिक 13-14% लोगों ने शहरी क्षेत्र में सुसाइड किया है। तो परीक्षा में फेल होने के भी जो आत्महत्या हुए हैं उसका विवाह से संबंधित विवाद, प्रेम, बीमारी, शारीरिक शोषण, ये सभी जो है ये कारण है जिसके बाद जो है किशोर लगातार जो है सुसाइड करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक बना हुआ है। इसके लिए जो है काउंसलिंग होने की जरूरत है, माँ बाप को सतर्क और अटेंशन होने की जरूरत है, ताकि इस तरह के आंकड़े को खत्म किया जा सके और बच्चे जो सुसाइड की ओर, डिप्रेशन का शिकार है, उसे खत्म किया जा सके। तो बेहद ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं आने वाले समय में। तो इस जो बेहद जरूरी है कि सब को मिल करके जो है इसके लिए इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ, तो नेक्स्ट नए क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि और कहीं से नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। तो कल का क्लास करने के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर कर दिया है मैंने, आप जोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।